और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। मौसम विभाग के यहाँ पर भविष्यवाणी के बाद से ही मंगलवार देर रात हरिद्वार में तेज आंधी के साथ बारिश यहाँ पर बारिश हुई है और कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों के घायल होने की भी खबर है। तेज आंधी और साथ ही झमाझम बारिश के चलते यहाँ के ज्वालापुर स्थित कटहरा बाजार में अंसारी मार्केट के पास अचानक पीपल का पेड़ गिर पड़ा, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और साथ ही पुलिस की टीम ने किसी तरह 3 लोगों को आपस सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 साल का एक मासूम अस्पताल ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक को यहां पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, जबकि हरिद्वार के लालजी वाला इलाके में भी पेड़ गिरने से 2 लोग उसकी चपेट में आ गए थे, जिसमें से यहाँ पर सोनीपत से आए एक श्रद्धालु की भी मौत हो गई है। पर पहुंची डीएम और साथ ही एसएसपी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हमारे पास अभी टोटल 5 लोग आए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई है और एक इसमें छोटा बच्चा है, एक बड़ा आदमी। एक पेशेंट को हमने रेफर किया जिसके सिर पे गंभीर चोट आई है, उसको हमने सीटी स्कैन के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर किया है। दो हमने एडमिट करके उन लोगों का इलाज हम कर रहे हैं। देखिए, अचानक से जो आंधी तूफान आया, इसमें एक ज्वालापुर के रिहायशी इलाके में यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था, करीब 200 साल पुराना, लोग वहाँ पर आवाज जाई भी चल रही थी, कुछ बच्चे और लोग शरण लेके नीचे आ गए। पेड़ गिरने के कारण उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसमें दब गई और साथ ही साथ कुछ बच्चे और ये भी दब गए। 3 लोग को रेस्क्यू करके निकाल के पहले भेज दिया गया था, चूँकि एक पेरेंट्स है, उनके द्वारा बताया गया उनका बच्चा अभी मिसिंग है, 5-7 साल का। उसके लिए लगातार 3-4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर है तो। और अभी आपने जैसे देखा, तत्काल उसको 3 घंटे की मेहनत के बाद से अभी वो जैसा भी भेजा गया लाइव है और उसको अस्पताल तुरंत भेजा गया, तो ये चौथा इंजर्ड था जो अभी निकाला गया।